बहुत ही ज्यादा प्यारा व्यू है, होटल बहुत शानदार है, 35 किलोमीटर दूर है ये रामपुर से। पूरा जंगली जंगल में, काफी ज्यादा पहाड़ क्रॉस करके आना पड़ता है और पूरा पहाड़ों में है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, क्या शानदार व्यू है वो दिखाती हूँ। और बहुत ज़्यादा बड़ा जैसे महल नहीं होता, मतलब महल नहीं इन सेंस से पूरा राज्य बना होता है, उस टाइप में पूरा होटल बना हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको व्यू आगे का। ये गाड़ी, ये रहे होटल और ये रहा आगे का व्यू। कई हमारी बुकिंग वगैरह हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारा रूम देखने, ऊपर रूम नहीं स्वीट है, स्वीट देखने जा रहे हैं हम लोग, ऊपर स्वीट रूम स्वीट है तो अभी हम लोग गोल्फ कार्ट पे जा रहे हैं। गोल्फ कार्ट ही कहते हैं, गोल्फ कार्ट पे जा रहे हैं पहली बार। और हम पीछे की साइड बैठे हैं, पीछे की साइड रोड ऐसी है और हम नीचे इंक्लाइंड है और नीचे लग रहा है गिरने वाले हैं। पीछे देखो सब लोग बैठे हुए हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। हम लोगों ने हमारा स्वीट देख लिया है अभी, तो अभी मैं जल्दी से आपको फटाफट से रूम टूर देती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है पूरा आर पर, ये देखो पूरे में पहाड़ी पहाड़ है, पूरा 360 व्यू है पहाड़ का एंड बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है स्वीट का। तो चलो पहले स्वीट का रूम टूर देती हूँ। चलो सबसे पहले एंटर होते ही वी गेट दिस लिविंग एरिया, यहाँ पे डाइनिंग है एंड यहाँ पे कुछ सोफाज एंड ऑल और ये टीवी। उसके बाद एंटर होते ही इस साइड एक वॉशरूम है, दिस इज़ द वॉशरूम। उसके बाद यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखने के लिए एरिया एंड देन वी हैव अलमीरा रखी है उसमें। उसके बाद हियर आई एम एंड देन एक और वॉशरूम है विद बाथटब। सो या इसके बाद वापस मुड़ के हम इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे है हमारा बेडरूम। बेडरूम से जो व्यू आता है ना गाइज, बहुत शानदार व्यू है, बहुत ही ज़्यादा शानदार व्यू है। ये शायद खुल जाएगा, गाइज लुक एट दिस व्यू, ये व्यू मिलेगा हमें एंड ये सिटिंग एरिया, यहाँ पे मस्त बैठो और व्यू एंजॉय करो एंड देन यहाँ से हमारा छोटा सा पर्सनल गार्डन है ये हमारे लिए, ये बाउंड्री है ये हमारा एंड देन वो सामने वाले का एंड या प्रॉपर्टी इज़ टू गुड गाइज, मज़े आ गए लिटरली इस प्रॉपर्टी में। हाँ आना पड़ता है, दूर आना पड़ता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्यारी प्रॉपर्टी है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी। अभी हम लोग बाहर आ गए हमारे स्वीट से और हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल देखने, एरिया देखने कैसा है। वहीं पर क्लब वगैरह काफ़ी कुछ है, पूल क्लब भी है, स्विमिंग पूल भी है। सोया ओह माय गॉड, oh my god, so, I can't jump so yes let's go and have a look yeah. this is the pool area, ye raha pahad, sundar hai guys, guys dekho guys aap infinity pool hai aur ye lekin yahan pe ye sirf 4 feet jitna hai aur main 5'8" ki, it's okay चलते हैं मजे आएंगे पहाड़ों में पूल में, वाओ फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस करने वाली हूं। सो या लेट्स गो, बहुत मजे आएंगे। तो यहां पे इतने मजा आ रहे हैं, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है गाइस, गाइस पूरे में पीछे पहाड़ है और यहां पे सन है और गाइस यहां पे हमारी चिक्की भी है गधी सी, वो कह रही है कि मुझे शूट कर, मुझे शूट कर, मुझे भी दिखना है, मुझे भी दिखना है। उनका तेरा ही तो चैनल है, मतलब कह रही हूं मैं यहां से जंप करूंगी तो मुझे शूट कर देना। और एको आवाज एको हो रही है गाइस यहां पे, गाइस बहुत मजा आ रहा है, इस बहुत मजा आया, आप भी कभी आइएगा। बिल्कुल आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे हम। बाय बाय। सो गाइस आई हैव चेंज्ड माय क्लोथ्स और काफ़ी लोगों ने, मतलब पापा वगैरह सबने चेंज कर लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं पूल में स्विमिंग करने। सो यस, मनवीर को ना फोबिया सा हो गया पानी से, पूल से स्पेशली, तो मनवीर नहीं जाता पूल में कभी भी, है ना मनवीर? है ना? सो यस वी आर गोइंग एंड वी आर गोइंग टू चिल इन दिस ब्यूटिफुल व्यू।
गाइस बहुत ज्यादा ठंडा पानी, मैं अभी एक बार अंदर जाके आ गई हूँ। फ्रोज हो गया ना पैर, फ्रोज होता है, फ्रीज होता है। गाइस अब तो बॉडी फ्रीज हो गई, अब तो फील ही नहीं हो रहा कि बॉडी हैवी या नहीं है। बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। की होया मर रही डर गई ठंड, बहुत ठंडा पानी है भैया। गाइस मर गई गाइस, हमने तो खा के स्विमिंग किया, मजे आ रहे हैं। अब वो सर जी फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं ना मनवीर, यम्मी यम्मी। इतना भी कर आई और मतलब पूरे से पैर तो अभी तक फ्रीज है। पापा भी बाहर आ गए, देखिए ना बस की बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा। गाइज वी आर डन विथ स्विमिंग और अभी पूरे गीले हो गए हम लोग और एकदम से ठंडी हवा चलने लगी, सनसेट होने लगा, ठंड लग रही है अब तो। गाइज सुन हो गया हमारे सारे पैर, सच में हाथ पैर सबसे सुन से हो गए। सो यस अब चलते हैं, सनसेट के मजे लेते हैं बालकनी में बैठ के। यस चलते हैं। लेटर दैट सेम इवनिंग, अब ठंड भी बढ़ते जा रही है और हाथ मेरे तब से फ्रीज ही है, नहीं सही हुए। और अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बाहर, पीछे का व्यू देखो आप लोग, पीछे जो स्काई के कलर्स आ रहे हैं और यहाँ पे ना तो हर जगह मतलब छोटी छोटी कम मतलब कहीं ना कहीं लाइट्स हैं, मतलब पूरी पहाड़ पे पूरे पे घर हैं या कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है वो लाइट्स वगैरह, जैसे देखते हैं ना इंस्टा वगैरह में या गूगल पे फोटोज़ देखते हैं, सेम वैसा भी है, सेम टू सेम, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, कैमरा इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा नेचर को इस टाइम पर, यू नो कैमराज इतना नहीं कर पाते कॉम्प्लीमेंट। सो यस मैं अभी आपको दिखाती हूँ जितना दिखा सको वो चीज़ है। सॉरी गाइस दिस इज़ द व्यू और वो देखो वहाँ पे लाइट्स चल रही हैं, इस पहाड़ी पे भी लाइट्स चल रही हैं। गाइस अब हम जा रहे हैं गाड़ी में से कुछ सामान लेने, पूरे में अंधेरा है और व्यू बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है आगे का, मैंने भी आपको दिखाया। और ठंड भी बढ़ गई है, ठंड हो गई बहुत ज़्यादा और हमें बहुत नीचे जाना है, बहुत ज़्यादा नीचे जाना है, मतलब 3-4 फ्लोर नीचे जाना है। पार्किंग बिल्कुल नीचे है, होटल के रिसेप्शन से भी नीचे है, गाइस एक पहाड़ नीचे जाना है बस। हाँ एक पहाड़ नीचे समझ लो। सो यस हमें पैदल जाना है और मज़े आ रहे हैं हमारे, ये हमारा पार्किंग कार्ड है। So yes, let's go. Guys, ये है रिसेप्शन एरिया, मतलब एंट्रेंस होटल का और उधर रिसेप्शन एरिया ये वाला। Guys, ये होटल का एंट्रेंस जो मैंने आपको भी दिखाया था और अभी हम नीचे आ गए हैं। ये मेन है जिधर से गाड़ियाँ आती हैं और ये yes. और ये पार्किंग लॉट है, ये देखो सब गाड़ी रखी है, अच्छी अच्छी गाड़ी खड़ी है। हमारी कहाँ है, हमारी वो रही गाइज, वो रही गाइज, हल्का सा आए हैं बस, इतनी सी ढलान ऊपर आए हैं, थके हमें पूरा ऊपर मर गए। और रिसेप्शन पे से की लेना भूल गए थे गाड़ी की, बोलू ना हम बस चाबी लेने आए हैं, थक गए। दो स्लोप चढ़ने में ही टाइट फेस हो गए, आगे 4-5 स्लोप और चढ़ने हैं रूम के लिए, मर गए। मन कर रहे हैं यहीं पे बैठ जाओ, देखो बस की अभी तक बैठ जाओ, तुमको लगती भी अभी हम लोग पार्किंग से रिसेप्शन तक भी नहीं पहुँची, इधर रिसेप्शन है और आगे तक उसका स्लोप है। वो मम्मा आ गई, लिया है 15-20 मिनट, बेड पे लेट हुए थे हम लोग, बिल्कुल उठने का मन नहीं करता, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, मतलब नीचे जा रहे हैं हम लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। सो यस एंड बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, मतलब अंदर से कप रही हूँ लिटरली मैं, बाहर सब लोग बाहर जा रहे हैं अभी, और उसके बाद देखते हैं हम लोग थोड़ा आउटडोर्स गेम्स वगैरह खेलेंगे, बैडमिंटन वगैरह। सो यस चलते हैं। काफ़ी ऑप्शन थे हमारे पास और बूफे का भी ऑप्शन था, सो वी हैव ऑप्टेड फॉर बूफे। सो यस लेट्स गो गाइस फॉर डिनर,
I have took this kimchi salad, Greek salad, and this pasta salad, and for some spring rolls for starters. And this is some salsa or something, or your green chutney. So yeah. Guys, in my second plate, I took some spring rolls, pink sauce pasta, and then Szechuan noodles with some Tabasco sauce. So yeah. Guys, for dinner, I have got this Black Forest pastry, this apple strudel, and this shahi tukra. Guys, we are done with our dinner. बहुत ज़्यादा yummy था, बहुत ज़्यादा मज़े आए, and अभी हम लोग जा रहे हैं वापस हमारे room में, इस cart पे बैठ के. So yes, चलते हैं. बहुत ज़्यादा ठंड होगी है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड है ना मनवी, ठंडी होगी ना. हाँ, पर मज़ा आया ना, बहुत ठंड है ना, कम नहीं लगा. हाँ, बहुत ठंड लग रही है. गाइज़ वो देखो वहाँ पे ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं पहाड़ पे, कितना क्रीपी होगा उस टाइम, मतलब इस टाइम सब कुछ वहाँ पे. So yeah, we are all sitting here, म्यूजिक वगैरह चल रहा है. गाइज़ हमने एक्स्ट्रा मैट्रेस लगवा लिया, मतलब वो सोफ़ा कम बेड था तो उसमें उन लोगों ने एडजस्ट कर दिया है. जस्ट लुक एट दिस, लग ही नहीं रहा वो है. जस्ट लुक एट दिस, चलो बैठते हैं. ये तो आते सही लेट ही गई. गाइस बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, पर वो बेड ज़्यादा फ्लफी. हाँ वो ज़्यादा फ्लफी है, बट स्टिल मज़े आ रहा है. सो गाइस अभी मेरी नींद खुली 3 बजे और मुझे लगा कि बाहर सनसेट सनराइज़ हो रहा होगा, क्योंकि वो जो पर्दे हैं ना, ये देखो, मतलब अजीब सी गोल्डन सी रोशनी आ रही थी उसमें से. मुझे लगा कि सनराइज़ हो रहा होगा तो मैं जल्दी से उठी और देखा तो बाहर पूरे में अंधेरा है. अब मुझे नींद नहीं आ रही. सो ये देखते हैं क्या करना है अभी. The next day. सो हे एवरीबडी, गुड मॉर्निंग. तो अभी हम लोग उठ के रेडी हो गए हैं, अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई. और ये पीछे का व्यू देखो आप लोग, अभी सनराइज़ हो रहा है, इन पहाड़ों पे लाइट आ गई है, सनलाइट आ गई है, एंड इधर थोड़ा डार्क है. बहुत प्यारा व्यू लग रहा है इस टाइम पे. सो यस, लेट मी शो यू द होल व्यू. मंदिर को कोई तो जानवर दिख रहा है यहाँ पे झाड़ियों में. कहाँ वो भी कुत्ते ने पत्ते ले, ये क्यों नहीं लूगे. ओ चिड़िया बिठिया है यार. गाइज ये देखिए डांस, पहाड़ों के बीच में सड़ा सा डांस. गाइज देखिए, ओह माय गॉड, मनवीर को लड़की बना दिया गया है इसमें. ये लड़की फूल खा रही थी. गधी कौन सा फूल? गाइस इसमें बीज जो होते हैं जो वो खाते हैं, सीड्स. गाइस कितनी गधी है. तो गाइस अभी हम लोग हमारे रूम से आ गए हैं, इधर हम लोग सनसेट डेक पे आए हैं. अभी हम लोग यहाँ पे फोटो शूट वगैरह करा रहे थे, अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से. और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, तो यस चलते हैं. गाइस फॉर ब्रेकफास्ट आई टुक मेदू वड़ा, दीज आर कचौड़ी, दीज आर ब्राउन पोटैटोज, दिस इज इडली सांभर, चटनी फॉर कचौड़ीज एंड चटनी फॉर. गाइस व्हाट इज दैट आई टुक, सारी प्लेट जो पैक में थी, कोरोसो, एक मफिन, चॉकलेट मफिन, डोनट एंड देन दैट पफ एंड विद कोल्ड कॉफी. वी आर डन विद ब्रेकफास्ट बिकॉज वॉट्स टू यमी, और व्यू के साथ तो और ज़्यादा मज़े आ रहे थे. और ब्रेकफास्ट बुफे था हमारा. अब हम लोग जा रहे हैं इस गोल्फ कार्ट में ऊपर रूम तक. खड़ी हो गई डिगजिंगी. सो यस लेट्स गो. उत्तर गाइस अभी चेकआउट करना है यहाँ से और जिम कॉर्बेट के लिए निकलना है.
पर बिल्कुल भी मन नहीं कर लिटरली यहाँ से जाने का। पीछे का व्यू देखो, इतना ज्यादा प्यारा व्यू है, इतना प्यारा व्यू है। जिम कॉर्बेट के लिए गए हम, है जिम कॉर्बेट में हमें सफारी करने के लिए। हाँ मतलब थोड़ा उधर से गांव पे। सो यस, अभी रास्ते में बहुत ज्यादा मूड वगैरह, तो एज अ प्रिकॉशन वी आर हैविंग दिस उल्टी की दवाई। हाँ वोमिटिंग की दवाई ज्यादा अंग्रेजी मैडम बनती है। हाँ सो यस, फॉर पीछे का व्यू देखो बहुत प्यारा है गाइस। गाइस पीछे का व्यू देखो गाइस, बहुत प्यारा उसके लगे बहुत ज्यादा प्यारा व्यू है। सो यस हैविंग दिस दवाई बन रही गाइस उसके लग गए। गाइस मैं इतनी अच्छी बहन हूँ तो मैं मारती ना। पापा उठ चुकी गए थे कुछ तो करवाने गए थे, बिल वगैरह करवाने, तो वो फिर गाड़ी का पास भूल गए, तभी मैं जा रही हूँ भाई। भागते भागते जा रही तो यहाँ पे लंगूर था, मैं डर गई। अंकल पीछे थे कोई रिसेप्शन से, वो बोल रहे थे कि आगे लंगूर है। मैं सोचा और किसी से बात करूँ, जब भी मैं मोड़ मुड़ा आगे देखा हूँ माइक को, तो बड़ा लंगूर मेरा वैसे वैसे हंस रहा था दांत निकाल के। मैं तेज से डर के भागी, बच गई गई। मैं पहुँचने वाली रिसेप्शन एरिया पे।